अब ये स्ट्रेस या विषाद क्या है सुनिए, आर यू स्ट्रेस्ड कहता है, व्हेन वी आर अनेबल टू रिलैक्स एंड फील टू एंशियस टू कैरी आउट आवर रूटीन प्रॉपरली वी आर सेड टू बी इन स्ट्रेस। देखो छोटे बच्चों की किताबों में भी डाल दिया है ये बात, आज छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो मेरे टेंशन करता है टेंशन वाद यूज करते हैं तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो कहते हैं व्हेन यू आर अनेबल टू रिलैक्स, जब आप रिलैक्स आराम करने के हो, सोफे में पड़े हो या देखते हो तो रिलैक्स हो जाते हो, थकावट दूर हो जाती है, उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। जब आप नहीं कर सकते रिलैक्स नहीं करते हो एंड फील टू एंशियस टू कैरी आउट योर रूटीन दिनचर्या, जो आप ये काम बड़े आगे बिखरे करते हैं उसमें आप क्या करते हो, बहुत चिंता करते हो, टू एंशियस ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। एक होती है फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी, साइकोलॉजी में तो फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी, हर वक्त चिंता सवार रहे, हटने का नाम न ले, तो बोलो उसका असर मन पे भी पड़ेगा, शरीर पे भी पड़ेगा, पेट खराब हो जाएगा, कोई चीज खाने का स्वाद नहीं लगेगा, वो बातें आ गई। और अच्छी तरह आप अपनी दिनचर्या को ना निभा सकते हो और ना रिलैक्स करते हो तब हमारी वो स्थिति जो होती है वो स्ट्रेस वाली होती है। आप अनुभव करो, होता है कि नहीं ऐसा होता है, नहीं उसी को स्ट्रेस है। अरे मैं क्या आपका स्ट्रेस दूर करता, आप अपना स्ट्रेस दूर करते रहते हो दिन, होता है प्रभु भजन करो, अभी थोड़ा रहने दो बस रहने खा के जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गई, वही विषाद अर्जुन का बैठा है, लड़ने के लिए निकल पड़ा है, फेंक दिया धनुष में, तो नहीं लड़ता, ये तो महापाप है मारना लोगों का नाश कर, कर्तव्य निभाओ, कठिनाई आएगी कोई बात नहीं, वही तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, शरीर का बल केवल काम नहीं करता है, मनोबल और आत्मबल। जैसे आपको कहा जब आत्मज्ञान का सत प्रकाश छाता है तो अर्जुन मोक्ष तभी मानव पाता है। मोक्ष चाहिए, किससे मोक्ष, शरीर से नहीं दुनिया से नहीं, मोक्ष कहते जी इसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिलनी है, जीते जी मुक्ति में रहे, किससे मुक्ति, वही विकारों से जो हमारे सॉफ्टवेयर रोग है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, उनसे मुक्ति पा लेते हो तो आप जीवन में मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, खुशी से काम करोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे, कोई थकावट नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, और होता भी नहीं, आप तो खुद मैनेज कर लेते हो, ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं आ गया हूँ बोलने, शेयर कर रहा हूँ, आप रोते नहीं हो, आप करो हाँ। उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण सिम्टम्स ये हैं, हेडेक सिर दर्द होता है, स्टमक ये पेट में दर्द होता है, पेट की गड़बड़ देश की गड़बड़, इनडाइजेशन बदहजमी, बार बार टॉयलेट जाना चिंता से, स्लीपलेसनेस हाँ बार बार चाय चाय के नुकसान है, स्लीपलेसनेस अनिद्रा नींद नहीं आती, उठ उठ के बैठ जा ये कर वो सारा, नींद भी खराब हो गई, नर्वसनेस घबराहट घबराहट हो गई जी, घबराता है मन, निश्चित काम नहीं कर पाता, फीवर एंड इन्फेक्शन, कई बार कहते हैं कि बुखार ही नहीं हटता मेरा, तो बुखार ही नहीं हटता, वो एंग्जाइटी की वजह से, चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बुखार सा चढ़ा रहता है, अस्थमा दमा होना सांस चढ़ता है, भूलता है बिगड़ता है, भूलता है सांस, घबराहट में सांस भी भूलता है, अस्थमा, ओवर ईटिंग और नॉट ईटिंग प्रॉब्लम, वो जब मन संतुलित नहीं है तो हम कई बार ज़्यादा खा लेते हैं भूख से ज़्यादा, और कई बार खाते ही नहीं, भूख ही नहीं लगती है, अच्छी तरह चबा के खाते हैं, वही हड़बड़ाहट होती है,
कि काम को पूरा निपटा लूँ, ये फिर खा लूँगा, या खाते रहे, बोल भी रहे, काम भी कर रहे, गड़बड़ है। स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी के कई बार चिंता है, चमड़ी का बिजली हो गई, कुछ और हो गया। एक बंदा था पटियाला में जाया करता था, मेरे एक मित्र के घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा करता था। मैं जब भी जाता था ना, मुझे बुला लेता था, एक मिनट आना जी, एक मिनट आना जी, चिंताग्रस्त था कि देखना बड़ा मेरी ये नाड़ी रुक नहीं गई, करता कि तब देखना जरा मेरी नाड़ी रुक नहीं गई, अगर नाड़ी रुक गई हो तो बोल सकता है, तो मुझे बुला सकता था। चिंता ज्यादा स्ट्रेस का, अच्छा आप इसको भगाने कैसे स्ट्रेस को, ईट हेल्दी फूड, जैसे मैंने कहा आपको सात्विक भोजन कर, बच्चों को भी दूध पीने की आदत डालो, खुद भी पियो दूध, कैल्शियम होता है उसमें, सभी विटामिन रहते हैं, संतुलित भोजन है, आप बहुत काम करती हो माता है, फिर कहते हैं मेरे घुटने भी काम कर रहे, मेरे ये शरीर काम, तो उसमें कमी आ जाती है। मैं रात को जरूर पीता हूँ दूध का एक ग्रास या डेढ़ ग्रास, फीका मीठा नहीं, मीठे से उत्तेजना पैदा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद नहीं आती है, फीका दूध पीता हूँ, शांत नींद आती है। एक्सरसाइज रेगुलरली, दिनचर्या रोज बनाओ अपने आप, ना भी चाहे 10 मिनट करो योग जरूर किया करो, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपाल भाति। टीवी पे देखो 5 से 7.5 स्वामी रामदेव जी करवाते हैं, बच्चों को भी बिठा दिया करो। यहाँ योग की क्लास लगी, मेरा मन प्रसन्न हुआ मुझे देख कर, जो माताएं आई कई पूरी तो नहीं आई होगी, कोई बात होगी। शेयर योर कंसर्न विद योर फ्रेंड, आ रहे कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम है आपकी, किसी सीनियर माता से, किसी अपने अधिकारी गण से, मेरी जैसे भाई से, माता से, अपने रिश्तेदार से शेयर करो, अपना दुख अपना सुख बांटो, दूसरे का दुख बताओ। इफ यू मेक मिस्टेक्स टेक देम एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, वही बात मेरी वाली, अगर कोई गलती हो जाती है आपसे तो उसको सोचो, उससे कुछ सीखो, ये गलती क्यों होगी, मैं खुद कितना देने वाला हूँ इस गलती को। आपके सभी के कोई मन परचावा होता है, दुर्बल होता है, जैसे मैंने बताया आपको, मैं तो ऊपर जाकर पौधों की सेवा करता हूँ, मैं रिटायर हुआ हूँ 2 बार 5 मिनट, तो मेरे से कोई पूछता है ना, एक बार में 89 में रिटायर हुआ पंजाब में हेडमास्टर था, मैं आज 24 साल पहले चंदुमा जा, ये प्रेम सिंह चंदुमा जा भी मेरा स्टूडेंट है। फिर दूसरी बार रिटायर हुआ हूँ 98 में, केंद्रीय विद्यालय से प्रिंसिपल रासवाल, मैट्रिक था मैं, नंगे पाँव मैट्रिक थी, पिता गुजर गए थे 3 साल का था, माता ने बड़ी मेहनत की, अध्यापकों का मेरे ऊपर कृपा रही, एक भारतीय पौधे को संभाला हूँ, क्लास वन ऑफिसर रिटायर हुआ, आज 25,000 रुपया तो मुझे पेंशन मिलती है, 1 महीने सेवा कार्य में रहता, अब ये अभिमान नहीं करता, ये करता वही है करने करने का, अभी कहा ना मैंने आपको, करता बनकर अभिमान रहित है, क्रियाशील वो ज्ञानी है, पर कर्म रहे तो कोई ज्ञान नहीं, ये बात तुम्हें बदलानी है। अर्जुन को कह रहे हैं वर्क एज वर्शिप, कहते हैं इंग्लिश में कई जगह लिखा है वर्क एज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, अच्छा कर्म करो, कर्मों का खेल है सारा ये जीवन, इसी के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार हमारा परिणाम होगा, कर्म करो फल की इच्छा न रखो, फल अपने आप देगा भगवान, अच्छे कर्म का अच्छा फल, मध्यम का मध्यम, निकृष्ट का निकृष्ट जरूर मिलेगा, कारणी सत्यम कर्म बचे लाभ मिलने का लाभ मिले, खुद भी हंसो दूसरों को भी हंसाओ, ये बैंक नहीं मुस्कुराएगी, क्यों स्ट्रेस ज्यादा है दिमाग में है, तो खुश रहने वाली बहन है, खुश रहा करो आपस में एक दूसरे के साथ, अपनी कठिनाइयों को
हंसी है, बहुत हल निकल आता है उसमें से। मन को उन पौधों को पानी डालते हो और सुबह देते हैं पौधों को पानी। नहीं वही है ना, मेरे से कोई पूछता है ना आप रिटायर होके क्या करते हो, मैं कहता रिटायर होके मैं अब तो आप मेरे पास रहो 24 घंटे मेरी दिनचर्या को देखो, नहीं तो मैं यह है मेरे पौधों और पौधों से खेला करता हूँ, पौधों से बातें करता हूँ। इसको पानी नहीं मिला, शाम को बेना था, कल टूट गया, तो क्या साया याद नहीं, पौधों और पौधों से बातें करो। इसी तरह छोटों से भी शेयर करो अपनी बातें, और बोतल क्यों रख दी थी कि पानी पीनो, स्ट्रेस हो गया तो ज्यादा थक गए बोलते बोलते तो पानी पीने। इसी तरह आप काम करते करते थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी अभी बड़े बोलते को बता रहा था अभी टाइम किया था, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, टॉपर है अपनी क्लास का कोचिंग के लिए, उनको कहा है जब आप थक जाते हो ना टाइम है तो इलाज भी रिलैक्स कर लो, मजा आ जाता है एक बार तो कमर सीधी कर। हमें यहाँ आने से पहले 10 मिनट देख के रिलैक्स करो, या थोड़ा सा पानी पी लो, या थोड़ा सा खुली हवा में घूम लो, टेंशन दूर हो जाए। कहा ना पेट की गड़बड़ देश की गड़बड़, पेट सेट हो गया पानी पी लिया, रात को जब नींद खुल जाती है बाथरूम गया आके दो घूट पानी पी के फिर सो, बोतल अपने साथ रखी है उससे भी पानी को खूब पिया करो। एकदम जरूरी गड़बड़ करके पिया देना, 5 लीटर रोज पानी पीना, ये 5 इकट्ठे ही पी लो, थोड़ा थोड़ा सा पानी काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए। इसी तरह अपनी दिनचर्या जो है उसकी प्लानिंग करो, योजनाबद्ध करो, कोई टेंशन नहीं हो। अगर आपके काम बहुत पड़े हैं, अरे भाई घबराओ नहीं, ज्यादा काम हो प्रायोरिटी को पहले किसको करना है, बच्चों ने स्कूल जाना है पहले उनके लिए भोजन कराना, उनको तैयार करना, अगर जो शाम को हो सकता है काम पहले उसी को लग जाओ, पौधों को पानी लगाने लग जाओ। प्लान करो, मैं जब पढ़ रहा हूँ 24 साल तो मैं सुबह प्रभु को साक्षात करके आदर नादर करके प्रोग्राम लिख लेता था अपने काम में आज क्या क्या करना, लेकिन ये नहीं कि उसको नंबरवार करने शुरू करते, कोई काम ऐसा जो तो होता लास्ट में लिखा होता है होता जरूरी है, प्रयत्न हो तो रहेंगे कोई काम दूसरे दिन को नहीं। अब निकलता हूँ ना रूप बना के निकलता हूँ, ऐसे जा रहा हूँ रास्ते में कहाँ कहाँ जाऊँगा, एक जगह रुका हूँ और जगह लेना है, बेटे को समय है कहीं हम मिस कर, उससे अशांति नहीं बनती, शांति आती है, मोटी बुद्धि हो जाओ कुछ पर, मोटी बुद्धि समझते मोटी बुद्धि, ज़्यादा टेंशन ना लो। वैसे कई दोस्त करते हैं डिस्कशन यही चलती है, अरे छोड़ यार मोटी बुद्धि हो जाए, बड़े खुश होते हैं तो उस दिन से पहले जैसे कहा ना मोटी बुद्धि हो जाओ, इसी प्रकार हम अपने ढेर अगर माफ पड़ा है तो उसको देकर घबराए नहीं, उसको तैयार कीजिए, इसको पहले करना है नहीं करना है, मैंने आपको अपनी दिनचर्या भी सुना दी, इससे अगर जीवन इससे आपकी उम्र भी लंबी होगी और खुशी से बीतेगी। यहाँ मैं बहुत बातें कर बैठा हूँ, मैं करता रहूँगा, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ, मैं तो अपनी माता का जिनकी मूर्ति मेरे मंदिर में लगी हुई है, भगवान की पूजा से पहले उनको नमस्कार करता हूँ, उसको तो देखा है ना मैंने, जिसने मुझे पिता ना होते हुए पाला है, पिता का भी काम किया है, माता का वो क्या कहा करते थे, गरीबी थी, मैं स्कूल जाने से पहले 5वीं से मुझे याद है मैं डबल रोटी बिस्कुट बेच के गरीबों में फिर आगे तैयार होकर स्कूल जाता था, चलो बहुत काम किया साइकिल पर, BMP चंडीगढ़ साइकिल पर जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था,
मेरा अभी ओबी थी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई हमने घबराना नहीं, कहीं माता पिता क्या था करते थे इसको तो भगवान मान लो ना होते हुए भी कोई बात नहीं, ना खाओ कल अल्लाह दे, अल्लाह पर विश्वास रखो, अल्लाह पर विश्वास रखो, जागरना होता हो। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण भी दे सकता हूँ यहाँ का एक ऐसी माता का जिसको सुनकर लज्जा आई मुझे, वो कभी कभी शेयर करूँगा आपसे। तो वो कहा करता कि हमारी माता दूसरा और सुन एन टी सी स्कूल में मैं 75 की बात होता था टीचर था, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे श्री बलदेव कौशल, वो मान लो आज आए हैं कल को नहीं आए परसों में आए स्कूल में। हमने कहा कौशल साहब आप तो यार कभी गया नहीं रहते हो कभी, क्या बात होगी आप कल क्यों नहीं आए? जैसे हम कुलीग आपस में पूछते हैं कहते हाँ यार इकट्ठे कर दिए सारे प्रेयर खत्म हुई थी सारे हम इकट्ठा कर लिया 20-25 टीचर थे। कहते सुनो बड़ी मजेदार बात, कहते परसों जब मैं यहाँ से पटियाला पहुँचा, पटियाला के रहने वाले थे राज पुरोहित थे महाराज पटियाला के पुरोहित, उनका काम तो कहते मेरी दादी 103 साल की शैया पे पड़ी है अंतिम क्षण है, सारा घर पड़ा पड़ा है रिश्तेदारों से और वो मैं गया तो वो कहते अब ना सारे रिश्तेदार वो करने लगे अब बदलेव आ गया है अब ये सांस बंद हो जाएगी इसके मुक्ति हो जाएगी उसे भी मिला पैर हाथ लगाया हमा में आ गया हूँ दादी जी हूँ ये करीब 50 साल के वो 103 साल के। तो उसने कहते मेरे कान में कुछ कहा और फिर आँख बंद कर कहते सारे हंस पड़े ले भाई राजपुरोहित थे राजपुरोहितों के पास कमी क्या होती है, ये कोई छुपा खजाना जो है बलदेव को बताया है। क्यों बलदेव क्या बताया है? बताया है वो बताने वाला नहीं है तो क्यों नहीं बताने हम पूछेंगे पूछोगे कि जिसने बहुत बड़ा खजाना बताया है तो खोल लो अपने पर्स खोल लो अपनी बैग खोल लो बोरियां भर लो जितना भर सकते हो। इसने मुझे कहा है सबर और शुक्र इस सबर संतोष शुक्र थैंकफुलनेस परमात्मा का धन्यवाद। तो 103 साल का खजाना था उसके पास जमा किया और ये अनुभव था अनुभूति थी उसकी उसमें बरकत थी उसके मन को शांति थी ऐसे जिस हाल में वो रखता था उसमें रहती थी 103 साल की गई और यही खजाना उसका उससे मैं बहुत सीखा सबर और संतोष में अपने जीवन में रखना चाहिए जो मेरे बातें भी उनके ऊपर विचार करना चाहिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करो घबराओ नहीं दफा करो घबराओ शरीर के रोग को भी ठीक करो मन को शांत करो इन विकारों को आते आने लो काम जाए लेकिन उसको उचित लिमिट में हो जिससे वो आपका भी कल्याण करें और दूसरे का भी कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुख और शांति के साथ बीते और यही प्रभाव आपके जीवन का आपके बच्चों पर पड़े और आपका समाज में उपयोगी जीवन से बच्चे आपके समाज के लिए उपयोगी जीवन बने आपकी भी सेवा करें अपने अधिकारियों की भी सेवा करें राष्ट्रपति और मानवता की भी सेवा करें। इन्हीं के समय आप सबका एक बार धन्यवाद।